हाउ टू गेट पीपल ट्रस्ट योर ज्वेलरी ब्रांड। विश्वास को आप खरीद नहीं सकते, वो आपको अर्न करना पड़ता है। आपको आप लोगों को फील करवाना पड़ेगा कि आप उनके लिए केयर करते हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं और आप बहुत अच्छा काम करते हो। ये किसी का भी ट्रस्ट विन करने का फाउंडेशन है। आज के पॉडकास्ट के अंदर मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी कि किस तरह से आप आपकी ज्वेलरी बिजनेस के लिए लोगों का ट्रस्ट विन कर सकते हो, जिससे आपकी ज्वेलरी ब्रांड जल्दी से ग्रो कर पाए। लास्ट 6 सालों से बिजनेस करके मुझे ये फील हुआ है कि ये फाउंडेशन ने सिर्फ मुझे रुपीज अर्न करने में हेल्प नहीं की है, बट सोशल मीडिया में ट्रस्ट विन करने में भी हेल्प की है। बहुत लोगों को लगता है कि ऑसम ज्वेलरी बनाने के और सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करके वो सेलिंग कर सकते हैं, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक छोटा सा हिस्सा है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर आप लोगों को फील नहीं करवाओगे कि आप उनके लिए जेन्युइनली केयर करते हो, आप एक अच्छे इंसान हो और आप एक अच्छा काम कर रहे हो, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से समझ लें। आपको सबसे पहले फाउंडेशन पे फोकस करना पड़ेगा, जो है ऑथेंटिसिटी। आप ऑथेंटिक हो या नहीं हो, आप लोगों को ऑथेंटिक होने का दिखावा नहीं कर सकते हो। आपको आपकी ज्वेलरी के सब पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर करनी पड़ेगी, जिससे लोगों को आइडिया आए कि वो उनके लिए है कि नहीं है। अगर आपकी ज्वेलरी ब्लैक पड़ रही है तो आप उनको कह दीजिए कि ये डेली वेयर नहीं है, उससे डायरेक्ट सनलाइट मॉइस्चर से दूर रखें, यूज़ करने के बाद कॉटन से साफ करें। जब आप जेन्युइन तरीके से ये शेयर करोगे, तब आप उनसे डीपर लेवल से कनेक्ट कर पाओगे। रिमेंबर, कनेक्शन इज एवरीथिंग। जितना बेटर आप कनेक्ट करोगे, उतना बेटर आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आपको ये क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट सुपर क्लियर। ट्रस्ट विन करने का दूसरा फाउंडेशन है अप्रिशिएट देम। आज के भागदौड़ भरी दुनिया में लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भूल गए हैं। कोई गलती हो जाती है तो तुरंत सब उन्हें कुछ कहते हैं, बट अच्छे काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। आप हर किसी को अप्रिशिएट कीजिए। किसी ने आपके साथ ज्वेलरी के लिए इंक्वायरी की है तो आप उनको अप्रिशिएट कीजिए कि थैंक यू फॉर इंक्वायरी। किसी ने आपको ऑर्डर दिया है तो आप उनको अप्रिशिएट कीजिए कि थैंक यू फॉर ऑर्डर। रिमेंबर, जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। ट्रस्ट विन करने का तीसरा तरीका ये है कि आप उनको फील करवाओ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। 99% लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम आपके ज्वेलरी बिजनेस में काम करते हो, तो आप टॉप के 1% में आ जाओगे। डेली सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कीजिए, लोगों को सोशल मीडिया के जरिए एजुकेट कीजिए, लोगों को एजुकेट कीजिए कि किस टाइप की ज्वेलरी ट्रेंड में है, किस टाइप की ज्वेलरी उनके लिए अच्छी है। आपके कस्टमर से रिव्यू लीजिए, ये रिव्यू को सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। आप जब ये कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, तब वो फील करेंगे कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, और जब भी उनको ज्वेलरी लेनी होगी वो आपको कांटेक्ट करेंगे या तो फिर किसी और को आपका रेफरेंस देंगे। रिमेंबर, पीपल डोंट बाय योर ज्वेलरी, पीपल बाय यू। सो लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए 3 फाउंडेशन है। फर्स्ट इज ऑथेंटिसिटी, सेकंड अप्रिशिएट देम, एंड थर्ड लोगों को फील करवाओ कि आप अच्छा काम कर रहे हो। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट यूजफुल लगा होगा। विश्वा मोदी हियर, आई एम द फाउंडर ऑफ ज्वेलप्रनर हब एंड क्रिएटर ऑफ दिस पॉडकास्ट कॉल्ड ज्वेलरी बिजनेस पॉडकास्ट। मेरा मिशन है कि मैं 10 लाख लेडीज को ज्वेलरी बिजनेस सिखा के इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, ताकि वो घर से ही रुपीज अर्न कर सके और फैमिली को मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बिलो, ये पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए डेली टिप्स के लिए। विश्वा पी मोदी, VISHWAPMODI। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय।